अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल दिले वेरां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रयान रात के वक्त कहीं जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल ले जाया जाता है। तलाल को अस्पताल से कॉल आती है कि रयान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तलाल के होश उड़ जाते हैं, वो जल्दी से अपने वालिद को साथ लेकर अस्पताल जाता है। उधर जब ये बात मिनल को पता चलती है तो वो अस्पताल जाने लगती है। मिनल की वालदा उसको जाने से रोकती हैं, जिस पर मिनल अपनी वालदा से कहती है कि मामा देखें, ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप मुझे रोकें, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। इस पर मिनल की वालदा कहती हैं कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और रयान से मिलवाकर अपने साथ वापिस लेकर आऊंगी। उधर तलाल की वालदा तलाल और उसके भाई की वजह से परेशान होती हैं। सदफ तलाल के घर आई होती है। तलाल की वालदा कहती हैं कि वो लोग मिनल के घर गए होंगे। तलाल की बहन दानिया अपनी वालदा को रोकती है तो तलाल की वालदा गुस्से में कहती हैं कि मेरे रास्ते से हटो दानिया, मैंने कह दिया ना कि मैं मिनल के घर जाऊंगी। जिस पर सदफ बताती है कि आंटी वो मिनल के घर नहीं है। जिस पर तलाल की वालदा पूछती हैं तो फिर कहाँ है। इस पर सदफ बताती है कि वो लोग अस्पताल में हैं, रयान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तलाल की वालदा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। क्या रयान बच जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।